नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शंस क्या होती हैं? रिप्रोडक्शंस में सबसे मीन्स रिप्रोडक्शंस क्या होती हैं कि यंग वंस को प्रोड्यूस करना, ठीक है। और इसमें जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस होगी दैट इज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस मीन्स हमने मैमल्स में स्टडी करना है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस टू टाइप की होती है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस किसमें होती है, दैट इज इन मैन, और ओजेनेसिस दैट इज इन वुमेन, ठीक है। अब जो मेल में होगी स्पर्मेटोजेनेसिस, इससे क्या प्रोड्यूस होगा, स्पर्म या मेल गैमेट, और ओजेनेसिस से क्या प्रोड्यूस होगी, ओवम या फीमेल गैमेट, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस और जो ओजेनेसिस है वो क्या कर रखी है, स्टडी। स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, स्पर्म, ये सारी चीज क्या कर स्टडी कर रखी है, ठीक है। अब क्या स्टडी करना है, दैट इज कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या होती है कि जो स्पर्म होता है, ठीक है, जैसे ये एंटर करता है इनटू द फीमेल बॉडी, वो कैसा होता है, दैट इज नॉन वायबल एंड नॉन मोटाइल, ठीक है। एंड इसका किस में कन्वर्जन होना, और कैसा होता है, इमैच्योर होता है, और इसका किस में कन्वर्जन होना, मैच्योर एंड वायबल स्पर्म इज कॉल्ड कैपेसिटेशन, ठीक है। दिस इज कैपेसिटेशन। एंड इस कैपेसिटेशन प्रोसेस में जो चेंज आता है, दैट इज इन चेंज इन फ्लैजिलम, ठीक है, और चेंज इन एक्रोसोमल मेम्ब्रेन में क्या होता है, चेंज आता है। नेक्स्ट है ओवुलेशंस। ओवुलेशंस क्या होते हैं, रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट्स एंड सराउंडिंग क्यूमल्स ऑफ होरस फ्रॉम द मैच्योर ग्रेफियन फोलिकल्स, मीन्स ओवम का रिलीज होना फ्रॉम ग्रेफियन फोलिकल्स क्या कहलाता है, ओवुलेशंस, ठीक है। एंड इसका जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, जो LH हार्मोन होता है वो क्या रिलीज करेगा, दैट इज प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन, ठीक है। और जो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन होगा वो किस पर एक्ट करेगा, दैट इज फोलिकुलर सेल पर एक्ट करेगा, ठीक है, एंड फोलिकल्स पर एक्ट करेगा, ठीक है। और जो फोलिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, और स्वेलिंग से क्या हो जाएंगे, फोलिकल्स रेप्चर हो जाएंगे, और क्या होगा, ओवम रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या होगा, जो प्रोटोलाइटिक एंजाइम होंगे, दैट इज कोलाजेंस, वो क्या करेंगे, फोलिकल्स वाल को वीक कर देंगे, और ये क्या करेंगे, ये डीजनरेट करेंगे, डीजनरेट ऑफ स्टिग्मा, और इससे क्या होगा, फोलिकल रप्चर होगा, और ओवुलेशन मीन्स जो LH हो गए वो क्या रिलीज किया, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन, और ये जो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन एक फोलिकल सेल पर एक्ट करेगा, और सेकंड जो एंजाइम है, ठीक है, जो प्रोटोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटोलाइटिक एंजाइम का जो मेन फंक्शन है प्रोटीन को ब्रेक करना, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ओवुलेशंस। एंड जो नेक्स्ट आता है कि जो ओवुलेशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ओवुलेशन मेनली टू टाइप के होते हैं, दैट इज रिफ्लेक्स ओवुलेशन, और सेकंड होता है स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन। जो रिफ्लेक्स ओवुलेशन होता है ये नर्वस स्टिमुलेशन से इनिशिएट किया जाता है बाय एक्टोमेक्टिन, ठीक है। एंड ये किस में पाया जाता है, मैमल लाइक रैबिट, कैट, स्क्रू और माइंस में, ठीक है। और जो स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन होता है वो किस में पाया जाता है, दैट इज इन मैन। नेक्स्ट आता है जो ओवुलेशंस होता है उसका कंट्रोल कैसे होता है, जो FSH और LH होते हैं मेनली कंट्रोल करते हैं ओवुलेशंस को, जो FSH होगा, ठीक है, जो LH है वो क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटम की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो एक्टिवेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटम होगा, उसके बाद क्या होगा, दैट इज डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटम, उसके बाद ग्रेफियन फोलिकल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, और फोलिकल सेल उसकी ग्रोथ होगी, आफ्टर दैट एस्ट्रोजन रिलीज होगा फ्रॉम दी LH, एंड जो फोलिकल्स हैं उनकी वो क्या करेंगी, रप्चर करेंगे, और क्या रिलीज होगा, ओवर रिलीज होगा, दैट इज ओवुलेशंस। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉर्पस ल्यूटम। जो कॉर्पस ल्यूटम होती है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जो आफ्टर ओवुलेशन जो इम्पर्टिग्राफियन फोलिकल चेंज हो जाएंगे इनटू कॉर्पस हेमोरेगियम, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट फ्यू हावर्स में जो फोलिकल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ल्यूटिनाइजेशन, जो करेक्टराइज बाय किसे, ग्रेनुलस का सेल होती है फोलिकल्स की, चेंज हो जाएंगे इनटू लैटून सेल, ठीक है। और जो लैटून सेल क्या डेवलप करेगी, SCR, और क्या सीक्रेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फीमेल सेक्सो हॉर्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करने स्टार्ट कर दे, ठीक है। ये चेंज क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म द इम्पटी मीन्स यहाँ पर ओवा था वो रिलीज हो सका, मीन्स यहाँ पर क्या है, इम्पटी फोलिकल्स है, उसे किस में कन्वर्ट कर देगी, सॉलिड येलो कलर एंडोक्राइन ग्लैंड में, और इसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटम, ओके। नेक्स्ट आता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, ये 28 डे का पीरियड है, इसमें 4 फेज है, ये स्टडी कर रखा है 12th में, दैट इज की जो सबसे पहला फेज है, दैट इज फोलिकुलर प्रोलीफेटिंग फेज, इसमें क्या होगा, जो फोलिकल सेल्स होगी वो क्या करेंगी, ग्रो करेंगी, ठीक है। जो सेकंड होगा, दैट इज ओवुलेशनरी फेज, इसमें क्या होगा, ओवुलेशंस होगा, ठीक है। जो थर्ड फेज आएगा उसमें क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरोन मीन्स जो कॉर्पस ल्यूटम की फॉर्मेशन होगी वो क्या करेगी, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगी। और जो लास्ट फेज आएगा, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज, इसमें क्या होगा, यदि जो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं होता तो वहां पर क्या होगा, ब्लड फ्लो करेगा, और एग और जो वाल ऑफ यूट्रिन जो
वोम थी उसकी जो वाल थी प्रिपेयर कर रही थी टू रिसीव फर्टिलाइज हुआ वो क्या करेगी सीड ऑफ करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज ओस्टेरिस साइकिल। जो ओस्टेरिस साइकिल क्या होती हैं, जो कुछ मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सीजनल ब्रीडर होते हैं, वो स्पेसिफिक सीजन में क्या शो करते हैं, ब्रीडिंग शो करते हैं। ठीक है, एंड इसके बेसिस पर मीन्स इसके बेसिस पर किस में डिवाइड किया गया इसको, डिफरेंट ओस्टेरिस मीन्स एक सीजन में देखो द सीजनली ब्रीडिंग एनिमल में भी मोनो ओस्टेरिस। ठीक है, मीन्स एक बार ब्रीडिंग शो करेंगे। ठीक है, और डायोस्टेरिस मीन्स टू टाइम एक सीजन में ब्रीडिंग शो करेंगे, या पोली ओस्टेरिस या मेनी टाइम ब्रीडिंग सीजन में क्या करेंगे ब्रीडिंग शो करेंगे। ठीक है, एंड जो ओस्टेरिस साइकिल्स होते हैं उसके जो फेज होते हैं दैट इज प्रो ओस्टेरिस या फर्स्ट फेज होगा। ठीक है, एंड ओस्टेरिस फेज सेकंड फेज होगा, उसमें क्या होगा जो प्रो ओस्टेरिस होगा उसमें क्या होगा जो ओवरियन फॉलिकल है वो अपनी साइज को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, जो सेकंड फेज है दैट इज ओस्टेरिस फेज या हीट फेज। ठीक है, ये पीरियड ऑफ कोपुलेशन होता है, और जो थर्ड फेज है दैट इज मेटा ओस्टेरिस, ये कैसा होता है आफ्टर ओवुलेशनरी पीरियड के बाद जो पीरियड आता है दैट इज मेटा ओस्टेरिस। ठीक है, एंड जो लास्ट होगा दैट इज डाई एस्ट्रस या अन एस्ट्रस फेज, एंड दिस इज द टाइम इंटरवल बिटवीन जो फर्स्ट ओस्टेरिस साइकिल थी उसके और नेक्स्ट ओस्टेरिस साइकिल होगी उसके बीच के जो टाइम इंटरवल होगा उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होगा दैट इज डाइस्ट्रस पीरियड। ओके, नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट है उनका फ्यूजन होगा। ठीक है, एंड किसकी फॉर्मेशन होगी, डिप्लोइड जायगोट की फॉर्मेशन होगी। अब जायगोट की फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, क्लीवेज होगा, क्लीवेज होकर सेल्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, दीज आर ब्लास्टोमियर सेल और ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ब्लास्टुला के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, गैस्ट्रोला की फॉर्मेशन मीन्स प्राइमरी जर्म लेयर की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद जिसकी फॉर्मेशन होगी दीज आर ऑर्गन की एंड देन ऑर्गन सिस्टम की एंड होल ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद होगा दैट इज पार्चुरेशन। ठीक है, एंड डिफरेंट जो हॉर्मोन है वो क्या होंगे, चेंज होंगे और पार्चुरेशन मीन्स पार्चुरेशन फॉर्मेशन पार्चुरेशन प्रोसेस होगी। ठीक है, एंड यंग वंस क्या होगा, बोर्न होगा। एक आता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो स्पीसी स्पेसिफिक होता है। ये स्पीसी स्पेसिफिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पर्म होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, एंटी फर्टिलाइजिंग मीन्स जो स्पर्म होते हैं उन पर एंटी फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट होते हैं, और जो ओवम होते हैं उन पर फर्टिलाइजिंग जो मीन्स जो एज ए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग ये जो सेम स्पीसीज के होते हैं वही क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, और जब ये रिएक्शन शो करते हैं देन फर्दर रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, देखो जैसे ही मीन्स कुछ ऑर्गेनिज्म पॉलीस्पर्मी होते हैं, कुछ यूनिस्पर्मी होते हैं। देखो जो पॉलिस यूनिस्पर्मी एनिमल होते हैं वो कैसे मीन्स अदर स्पर्म की एंट्री को स्टॉप करते हैं। देखो जैसे ही फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, जो कॉर्टिकल ग्रैनुल प्रेजेंट होते हैं एग में वो क्या कर लेते हैं, एक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कर लेते हैं दैट इज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड इसके बाद ये जो मेम्ब्रेन होती है ये स्टॉप करती है एंट्री ऑफ स्पर्म टू दी सेल। ठीक है, इससे क्या होगा, अदर जो स्पर्म होंगे वो एंटर नहीं करेंगे इनटू दी एग, सो जो ये पॉलीस्पर्मी को स्टॉप करेंगे। ओके, नेक्स्ट आएगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस, जो ब्लास्टोसिस की फॉर्मेशन हो रही है उसका कहाँ पर अटैच होना, ऑन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ठीक है, एंड आफ्टर दैट गेस्टेशन पीरियड एंड आफ्टर दैट पार्चुरेशन। ठीक है,